सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द पीपल्स फॉरेंसिक एकेडमी। तो इसमें हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस के हम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे दिसंबर 2023 के। जो हमारी फर्स्ट सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से ही हम अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो हमारा सिलेबस का होगा, पेपर वन और पेपर टू दोनों को हम डिस्कस करेंगे एक बार। और पेपर वन का हमने लाइक टीचिंग एप्टीट को स्टार्ट कर दिया है, और ठीक है आप लाइक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारी सारी वीडियोज़ को लाइक देखें इन सीक्वेंस में। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है उसका लाइक फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, उसका देखो। आज मॉडल्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने करवाए हैं आज, उसमें लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका। तो कल को हम लेकर आएंगे न्यू वीडियो, एक तो हमारा टीचिंग का होगा, नेक्स्ट वीडियो हमें इसका लाइक फॉरेंसिक का करेंगे, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस के पुराने जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 23 के, ओके विद एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या होगा लाइक हमारे इसमें ओनली 5 क्वेश्चंस होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, पक्का लेकर आएंगे, ओके। तो लाइक आपको अगर सभी को इस वीडियोस के लाइक पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें लाइक आज एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया है तो उसमें आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसका, तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, अ रेगुलर पल्स टू पल्स वेरिएशन द एम्पलीट्यूड विद एवरी सेकंड पल्स बीइंग कंसिडरेबली इंक्रीज कॉल्ड। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन है हमारा लाइक जो साउंड का है, ओके साउंड का, लाइक जो हमारे साउंड कैसे प्रोड्यूस होएगा, ओके। तो इसमें लाइक कोई एनोमली डाल रखी है इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में के जो हमारी पल्स टू पल्स वेरिएशन है जिसमें लाइक एम्पलीट्यूड उसका कम हो जाए विद विद एवरी सेकंड एंड द कंसिडरेबली वीकर, हर बार वो क्या हो वीकर होती जाए, ओके। तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम क्या बोलेंगे, उसका हम बोलते हैं डिप्लोफोनिया, ओके। इसका जो एनोमली है उसका हम क्या बोलेंगे, डिप्लोफोनिया। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो क्या आएगा, द करेक्ट टर्म वॉज रेगुलर पल्स टू पल्स वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड फॉर विद एवरी सेकंड इज कॉल्ड डिप्लोफोनिया, ओके। डिप्लोफोनिया रेफर टू द वोकल डिसऑर्डर, ये कौन सा है हमारा वोकल, वोकल कोड होती है ना, वोकल डिसऑर्डर है हमारा। इसमें क्या होएगा कि कैरेक्टराइज बाय द डबल और स्प्लिट वोकल रिजल्टिंग फ्रॉम द इरेगुलर वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कोड, जो हमारी वोकल कोड होएगी उसकी जो वाइब्रेशन होएगी वो उसके लाइक इरेगुलरिटी आएगी, ओके इरेगुलर वाइब्रेशन होएगी। इन डिप्लोफोनिया द रेगुलर पल्स टू पल्स वेरिएशन द एम्पलीट्यूड इज एवरी सेकंड पल्स बीइंग कंसिडरेबली वीकर क्रिएट्स द परसेप्शन ऑफ डबल वॉइस एंड डबलिंग इफेक्ट, ओके। जिसकी वजह से क्या आएगा, डबलिंग इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, डबलिंग इफेक्ट होएगा, ओके। तो जो ऑप्शन वन है, सेकंड और थर्ड ये नहीं है। फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है लाइक हाउ द साउंड प्रोड्यूस इन अवर वोकल कोड, ओके दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन, क्लियर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शुअल असॉल्ट का, हमारा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, लाइक द सीक्वेंस पूछा है कि हम कैसे एग्जामिन करेंगे जो सेक्शुअल असॉल्ट केस में जो विक्टिम होगा उसको सबसे पहले हम कैसे एग्जामिन करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि उसको सबसे पहले हम कौन सी सिस्टम देंगे, मेडिकल सिस्टम्स देंगे और उसके क्लोज को एग्जामिन करेंगे, मींस एक सारा हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है इन्होंने। सो सेक्सुअल असॉल्ट केस में सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस आएगा ए डी बी सी, ओके। जो फर्स्ट है हमारा, जो फर्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम बाय अ डॉक्टर, ओके। पहले जो हमारा कोई भी विक्टिम आएगा उसको पहले हम डॉक्टर के पास लेकर आएंगे, वो उसको एग्जामिन करेगा। सेकंड द एविडेंस पैकेज्ड इन द टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग, ओके। जो सेकंड दिन हमारा जो एविडेंस होगा उसका हम पैक करेंगे। थर्ड उसको लाइक क्लोथ जो होंगे एग्जामिनेशन का, क्लोथिंग ऑफ द विक्टिम, ओके उसकी जो क्लोथिंग होगी हम उसको एग्जामिन करेंगे। लास्ट इज द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे हम विक्टिम की, ओके काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग सबसे एंड पे आएगा, ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, एक्सप्लेनेशन ऐसे है, सबसे पहले एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम बाय अ डॉक्टर, दिस इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेशन टू असेस एंड डॉक्यूमेंट एनी फिजिकल इंजरी और एविडेंस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट बाय अ विक्टिम्स बॉडी, ओके। इट इज क्रूशियल एंड मेडिकल प्रोफेशनल टू कंडक्ट अ थोरो एग्जामिनेशन यूजिंग फॉरेंसिक प्रोटोकॉल टू कलेक्ट एविडेंस सच एज डीएनए सैंपल्स, स्वैब्स एंड फोटोग्राफ्स, क्लियर। तो सिंपल है लाइक उसके हम एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी उसकी, एमएलआर मेडिकल रिपोर्ट ही बनेगी उसमें,
देन जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज द एविडेंस पैकेज इन द टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग. ओके, आफ्टर द एग्जामिनेशन द फिजिकल एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द विक्टिम्स बॉडी सच एज डीएनए सैंपल्स, वेब्स, क्लोथिंग्स शुड बी केयरफुली पैकेज इन द टेम्पर. ओके, प्रॉपर उसकी पैकेजिंग करेंगे, देन प्रेजेंट इट्स इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी चेन ऑफ कस्टडी का इसके रखेंगे ध्यान को. एंड प्रिवेंट द कंटेमिनेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द चेन ऑफ कस्टडी इज ऑल्सो एसेंशियल टू मेंटेन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस इन द कोर्ट. ओके, थर्ड है हमारा एविडेंस इन द क्लोथिंग ऑफ द विक्टिम. फॉलोइंग द एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स बॉडी द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर में प्रोसीड टू द एग्जामिन द विक्टिम्स क्लोथिंग. ओके, फिर फॉरेंसिक लैब में जाएगा, सारे सैंपल फॉरेंसिक लैब में जाएंगे, तो उसके हम क्या करेंगे वहाँ पे एग्जामिन करेंगे फॉर द एविडेंस सच एज फाइबर, स्टेन, बायोलॉजिकल मटीरियल दैट कुड बी लिंक्ड टू द परपेट्रेटर. ओके, जो हमारा जो कल्प्रेट हो गया परपेट्रेटर होगा उसके साथ हम क्या करेंगे को लिंक करने की. एंड क्लोथिंग शुड बी कलेक्टेड एंड पैकेज सेपरेटली इन द टेम्पर एविडेंट पैकेज टू प्रिजर्व एनी पोटेंशियल एविडेंस. ओके, द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, देन लास्ट पे क्या होगा जो विक्टिमों को हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी. ओके, देन आफ्टर द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस द प्रोवाइडिंग द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड सपोर्ट टू द विक्टिम वाई एसेंशियल फॉर देयर इमोशनल वेलबींग एंड रिकवरी. दिस स्टेप इज क्रूशियल इन एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल असॉल्ट एंड अश्योरिंग द विक्टिम सेफ्टी एंड सपोर्ट थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग. ओके, तो हमारा ये सिंपल था, कोई बात नहीं, ज़्यादा भी दिक्कत नहीं आने वाली. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है ना काफ़ी फेवरेट एनटीए का. ओके, फ्लैश पॉइंट, इसका आंसर अगर आप अगर आंखें बंद करके भी लगा दो ना तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लैश पॉइंट आएगा. ओके, फ्लैश पॉइंट एनटीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, लाइक हर बार सेफ्टी में आते ही आते हैं, पक्का है इसको. लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड गिव्स ऑफ सफिशिएंट पेपर. ओके, वो कौन सा टेम्परेचर होगा, लोएस्ट टेम्परेचर होगा जिस पे क्या होगा, जो भी हमारा लिक्विड है पेपर फॉर्म में आएगा टू अ मिक्सचर विद एयर दैट स्पॉट कम्बशन. ओके, जो कम्बशन को स्पॉट करें उसको हम क्या बोलते हैं, दैट द फ्लैश पॉइंट. ओके, फ्लैश पॉइंट बेसिकली हम बोलेंगे जब लाइक इग्निशन स्टार्ट होगा. ओके, जिस पॉइंट में इग्निशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं. कुछ बच्चों लाइक जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा. ओके, बॉइलिंग पॉइंट डाला होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लाइक लिक्विड गिव्स टू द पेपर. ओके, गिव्स टू पेपर, लेकिन यहाँ पे क्या स्पॉट द कम्बस्चन, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, दैट विल बी फ्लैश पॉइंट. ओके, तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, द फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ द लिक्विड एंड विल इग्नाइट मोमेंटली वेन एक्सपोज टू द ओपन फ्लेम एंड इग्निशन सोर्स. ओके, इट इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज हाई इनफ टू फॉर्म इग्नाइटेबल मिक्सचर ऑफ एयर. द फ्लैश पॉइंट इज एन इंपॉर्टेंट सेफ्टी पैरामीटर फॉर इन फ्लेमेबल लिक्विड एज इट हेल्प्स टू डिटरमाइन देयर फायर हैजार्ड क्लासिफिकेशन एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट. ओके, तो फ्लैश पॉइंट आएगा इसका, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा पूछा है, वह पूछा है हमारा मेडिसिन से क्वेश्चन, डेथ. ओके, जो हमारा डेथ है उससे टॉपिक आया ये वाला कि ब्रेन डेथ क्या होगी. दो स्टेटमेंट लिखी है इन्होंने, ध्यान से लाइक इसको समझना क्या है. इसमें जो ब्रेन डेथ है ना, ब्रेन डेथ को हम लाइक फोर टाइप्स में हम देखते हैं. ओके, आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, आगे डिस्कस करेंगे. पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्रेन डेथ इज कॉर्टिकल एंड सेरिब्रल डेथ, वेयर एज देयर इज अ इंटैक्ट ब्रेन स्टेम. ओके, ध्यान से समझना कि ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रल डेथ ये दोनों अलग अलग है. ओके, क्या पूछा है कि वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्रेन डेथ इज कॉर्टिकल सेरिब्रल डेथ. ओके, सेरिब्रल हमारा जो हेमिस्फीयर होता है कि उसकी जो डेथ होगी. ओके, एंड उसके साथ क्या है, ब्रेन स्टेम है जो इंटैक्ट है. ओके, उसके साथ ही है. एंड उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इट प्रोड्यूस द वेजिटेटिव स्टेट एंड विच द रेस्पिरेशन कंटिन्यू, रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू रहेगी, बट द लॉस ऑफ पावर ऑफ परसेप्शन बाई ऑल द सेंसेस. ओके, मीन्स टोटल लॉस होगा किसका, सेंसेस का. ओके, तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें लाइक दोनों ही होंगे. ओके, बोथ वन एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो एक्सप्लेनेशन देखो, पहले क्या होता है कि ये सेरिब्रल कॉर्टिकल डेथ क्या होती है, वेयर देयर इज अ इंटैक्ट ब्रेन स्टेम द स्टेटमेंट इज करेक्ट. द कॉर्टिकल एंड सेरिब्रल डेथ रेफर्स टू द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ओके,
कॉर्टेक्स मीन्स आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, ओके, जैसे ब्रेन होगा, जैसे ब्रेन होगा इसके जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर जो इसके आउटर स्ट्रक्चर होगी ना, जो इसके हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसकी वो डेथ होगी, लाइक द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन वाइल द ब्रेन स्टेम, ओके, ब्रेन स्टेम जहाँ पे लाइक हमारा जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट आएगा, द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल बेसिक लाइफ फंक्शन मेन इंटैक्ट, दिस टाइप ऑफ ब्रेन डेथ इज रिजल्ट इन द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ओके, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट मीन्स रेस्पिरेशन चलती रहेगी लेकिन लॉस ऑफ क्या होगा, लॉस ऑफ हमारे सेंसेस का होगा। इन वेजिटेटिव स्टेट, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट और अनरिस्पॉन्सिव वीकनेस वीकफुलनेस सिंड्रोम, ओके, दिस इज कॉल्ड अनरिस्पॉन्सिव वीकफुलनेस सिंड्रोम, इंडिविजुअल्स टिपिकली एग्जिबिट प्रिजर्व्ड बेसिक लाइफ फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन एंड स्लीप वेक साइकिल्स बट देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग इज सीवियरली इंपेयर्ड। क्लियर था, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग में क्या होएगा, अपीयर हो जाएगा, लाइक वो सारा डिस्टर्ब होएगा, दिस मे नॉट डिस्प्ले पर्पसफुल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई एंड दे मे स्टिल डेमोस्ट्रेट द रिफ्लेक्सिव एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। ओके, क्लियर क्लियर, इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे हम, लाइक इसमें एक पेपर है, इसमें इन्होंने लाइक डिफाइंड किया हुआ है कि जो ब्रेन स्टेम है क्या होती है, ओके, ब्रेन डेथ, ऐसा क्लियर लाइक दिस रिवाइज सॉरी मेमोरेंडम 1979, ओके, 1979 में आया था इसका, लाइक इसमें इन्होंने चार तरह की डेथ को लाइक कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जो है वही बनी द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, इसमें क्या होगा, द लॉस ऑफ ओनली कॉर्टिकल फंक्शन, ओके, विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, कौन सा लॉस होगा, ओनली कॉर्टिकल फंक्शन का हमारा लॉस होगा बट जो ब्रेन स्टेम होगा वो इंटैक्ट रहेगा। सेकेंड ब्रेन स्टेम डेथ, जो ब्रेन स्टेम है उसकी डेथ हुई, एबसेंट ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स बट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू कॉर्टिकल एज वेल एज हाइपोथैलेमिक इंटीग्रिटी सच एज ऑस्मोरेगुलेशन। होल ब्रेन डेथ, बायोलॉजिकल डेथ विद एबसेंट कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन डेथ, डेथ मीन्स होल ब्रेन डेथ अलॉन्ग विद द कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। क्लियर क्लियर, तो इसका एक और भी आगे ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, लाइक हम देखेंगे थोड़ा सा, ब्रेन स्टेम इज द लोअर, जहाँ पे आपको पूरा समझ आएगा कि ब्रेन स्टेम अगर इंटैक्ट था तो रेस्पिरेशन कैसे चल रहा था। ओके, जो ब्रेन स्टेम है हमारा, ब्रेन स्टेम इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके, ब्रेन स्टेम क्या होता है, एक लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, लाइक पहले हाइपो ऊपर सॉरी कौन सा आएगा, सेरिब्रल पार्ट आएगा, कॉर्टिकल पार्ट आएगा और नीचे उसका कहेगा दिस ब्रेन स्टेम, ओके, विच इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसको स्पाइनल कॉलम बोलेंगे। द ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑटोमेटिक फंक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, दीज इंक्लूड कौन कौन से फंक्शन होंगे, सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग। ओके, नेक्स्ट जो होगा, ब्रेन स्टेम ऑल्सो रिलेज इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द, ओके, जो सारा जो मोटर एंड सेंसरी नर्व्स का रोल प्ले करता है वो सारा कौन करता है, ब्रेन स्टेम करता है। सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेन कोर फंक्शन सच एज कॉन्शियसनेस अवेयरनेस एंड मूवमेंट। ओके, आया समझ, इसी वजह से जो अगर ब्रेन स्टेम इंटैक्ट होगा तो ओनली जो हमारे ये वाली फंक्शन है ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ये तो हमारे चलेंगे बट द कॉन्शियसनेस जो होगी वो हमारी क्यों सारा क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगी। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी दिस लाइन, सो आफ्टर द ब्रेन डेथ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू रिमेन इन कॉन्शियस। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा है मेटाबॉलिज्म से, ओके, ड्रग मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है, ड्रग मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। ओके, वी विल डिस्कस द होल टॉपिक लेटर ऑन। ओके, जल्दी लाइक जैसे हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी हमको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम यही ड्रग्स इसकी क्लासिफिकेशन और ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को हम डिस्कस करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो लाइक पूछते हैं क्वेश्चन में ऑलवेज आस्किंग अबाउट द कोकेन, ओके, कोकेन के मेटाबोलाइट्स कौन से क्या क्या होते हैं, सेकेंड एल्कोहल के, ओके, सेकेंड एल्कोहल इनके फेवरेट टॉपिक है। ओके, इसको आप याद रखना। ओके, बेवरेज में अल्कोहल आएगा, कोकेन आएगा, इसके लाइक और स्ट्रीट नेम से मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रीट नेम से कुछ चीज़ होती है। ओके, जो स्ट्रीट नेम सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है, इसे क्या पूछा गया था, सीरम इथाइल ग्लूक्रोनाइड कंसेंट्रेशन इज ऑफ ग्रेटर देन 5 mg per liter इज द इंडिकेटिव ऑफ
किसके इंडिकेटिव है ये वाला? इसका आंसर आएगा द फोर्थ वन, द रिसेंट पास्ट कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। ओके, जिस बंदे लाइक रिसेंट ही पास्ट कंजप्शन किया है किसका? अल्कोहलिक बेवरेज का, तो उसका लाइक उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी क्या होगी, वो ग्रेटर देन 5 mg/L, किसका? इथाइल ग्लूक्रोनाइड। ओके, इथाइल ग्लूक्रोनाइड सीरम, इथाइल ग्लूक्रोनाइड, ठीक है। ओके, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या आएगा इसका, सी दैट द सीरम इथाइल ग्लूक्रोनाइड दैट इज द ETG इज द मेटाबोलाइट ऑफ इथेनॉल। ओके, इट इज द मेटाबोलाइट ऑफ इथेनॉल। अगर इस बार क्वेश्चन में ये पूछे तो अगले नेक्स्ट टाइम आई थिंक नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि सीरम जो ETG है मेटाबोलाइट किसका होगा, ठीक है, याद रखना आप, इथेनॉल का है। द प्राइमरी साइको एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ द एल्कोहल बेवरेजेस, द ETG इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी थ्रू द कंजुगेशन ऑफ द इथेनॉल। ओके, जो फेज टू होता है ना, लाइक मेटाबोलिज्म अगर हम देखें, जो मेटाबोलिज्म होएगा वो दो फेज में होता है, एक फेज वन में होगा, एक फेज टू में होगा। ओके, जो फेज वन होता है वो फंक्शनल फेज होता है, कौन सा होता है? फंक्शनलाइजेशन। लाइक उसमें क्या होगी? अनमास्किंग होगी। क्या होती है उसमें? अनमास्किंग ऑफ दी ड्रग्स होती है। एंड सेकंड में क्या होएगा? जो सेकंड फेज उसमें क्या होती है? कंजुगेशन होती है। ओके, जो अनमास्क होकर आएंगे ना मेटाबोलाइट्स, उसके साथ क्या होगा? कंजुगेट होंगे और नेक्स्ट उसको मेटाबोलाइट पर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी टेक प्लेस। ओके, देन इट विल बी मॉडिफाइड। ओके, इन द बॉडी। सो क्या होएगा इसमें? द ETG प्रोड्यूस इन द बॉडी थ्रू कंजुगेशन द इथेनॉल विद द ग्लूक्रोनिक एसिड इन द लीवर एंड कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड और यूरिन एज अ मार्कर ऑफ द रिसेंट अल्कोहल कंजप्शन। ओके, तो इसका हम एज ए मार्कर यूज करेंगे फॉर द रिसेंट अल्कोहल कंजप्शन। द सीरम इथाइल ग्लूक्रोनाइड कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 5 mg/L इज द इंडिकेटिव ऑफ रिसेंट पास्ट कंजप्शन अल्कोहल बेवरेज एंड एज इट सजेस्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल इन द बॉडी विद इन द सर्टन टाइम फ्रेम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, तो कौन सा होगा? ETG इज द मेटाबोलाइट ऑफ द इथेनॉल। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आई थिंक बहुत अच्छे से डिस्कस हुए ये वाले क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियोज आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, और एक बात और मैंने आपको लाइक अनाउंसमेंट कर ली थी, जो हमारा अभी डेली पेपर वन, ओके, पेपर वन एंड पेपर टू के सेशन लगेंगे। ओके, पेपर टू की लाइक ये हमारी जो सीरीज चल रही है अभी, कौन सी वाली? लाइक जिस अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, एज इट इज़। और इसके साथ ही मैं लाइक थोड़ा सा करेंगे काम के साथ में अपना सिलेबस को भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको लाइक सारा कवर भी करना है हमने 4 मंथ्स में। लाइक जून में आपका एग्ज़ाम होगा तो मई तक हम करेंगे, ओके, कवर करेंगे। ऑल्सो इट विल बी कवर्ड एज इन अ गुड वे। ओके, एंड जो पेपर वन है, पेपर वन का हो जाएगा, ओके, बड़ा इजीली हो जाएगा हमारा पेपर वन का सिलेबस, ठीक है। बस मैं आपको उसके मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा। ओके, लाइक क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लाइक DIR मैथ तो आप थोड़ा सा आपको करना होगा। अगर हम लाइक जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT एंड जो कम्युनिकेशन, ओके, EVS जो हमारा विपरीत इन्वायरमेंट होगा एंड हायर एजुकेशन, ये 4-5 जो यूनिट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक LR, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो थोड़ा सारा हम कवर करेंगे, एंड जो फॉरेंसिक हमारा पार्ट होगा, फॉरेंसिक हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले आई थिंक हम बायो और सीरम को स्टार्ट करेंगे, जो यूनिट होगी ना हमारी बायो सीरम को, और उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी में केमिस्ट्री टॉक्सी। क्लियर, तो कोई बात नहीं, देखते हैं लाइक कैसा शेड्यूल बनेगा हमारा। और लाइक अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, सो एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो वी कैन गिव यू मोर बेटर कंटेंट इफ यू मोटिवेट अस। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।